गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए सबसे पहले हम जो कल पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक चल रहा था करेक्टर स्केच, और उसमें हम पढ़ रहे थे एम हेमल का करेक्टर स्केच। एम हेमल का करेक्टर स्केच पढ़ रहे थे जिसमें हमने तीन पॉइंट्स पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था डेडिकेटेड, एंड स्ट्रिक्ट टीचर। दूसरा पढ़ लिया था एन इमोशनल टीचर, और तीसरा पढ़ लिया था रेस्पेक्टेड टीचर। इस प्रकार से हमने तीन बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। आज हम चौथा बिंदु पढ़ेंगे और वो है ग्रेट पैट्रियट, महान देशभक्त। यानी कि ये सारी क्वालिटीज आपकी एम हेमल में विद्यमान थी। पहली क्वालिटी थी वो डेडिकेटेड रहता था सर्विस के प्रति, स्ट्रिक्ट टीचर था। दूसरी क्वालिटी थी इमोशनल टीचर था। तीसरी उसमें क्वालिटी रेस्पेक्टेड था, सभी से सम्मान प्राप्त था उसे, सभी से सम्मान प्राप्त था। न केवल विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त था बल्कि गांव के लोगों से भी सम्मान प्राप्त था। चौथी क्वालिटी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट पैट्रियट, तो देखिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चौथा पॉइंट आपका ग्रेट पैट्रियट, आप इसे कह सकते हैं महान देशभक्त। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसमें लिखिए थोड़ा सा ही लव्ड हिज कंट्री ही लव्ड हिज कंट्री फ्रेंड्स He loved his country, friends. He loved French language. He loved French language. अर्थात वह अपनी फ्रेंच भाषा से प्रेम किया करता था। He considered French. He considered French as the most beautiful language, as the most beautiful language in the world. He considered French as the most beautiful language in the world. He said it was clearest and the most logical language. It was the clearest and most logical language. अब देखिए इसके बाद है, on the last day of French lesson. On the last day of French lesson, he wrote Long Live France. He wrote, ऊपर लिख देता हूं मैं, Long Live
फ्रांस, he wrote long life France with a piece of chalk. With a piece of chalk, फिर आगे लिखिए on the blackboard. On the blackboard. As large as he could write. As large as he could write. This shows his patriotism. This shows his पैट्रियोटिज्म. एक बार लिखो इसे, फिर मैं आपको समझाता हूं. लिखो, गुड मॉर्निंग तनु शर्मा, गुड मॉर्निंग पवन शर्मा. सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है. बेटा ये तो बहुत अच्छी स्क्रीन आ रही है, हो सकता है आपके मोबाइल में कोई दिक्कत हो. कमेंट कीजिए. अंबिका जोशी, सर लिख लिए, वेरी गुड. अंबिका जोशी, गुड मॉर्निंग. भूमिका शर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अंकित शर्मा, लिख लिया सर, वेरी गुड, वेरी गुड. कृष्णा सैनी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. कृष्णा सैनी, गुड मॉर्निंग. अंजलि मीना, लिख लिया, वेरी गुड. शुभम शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. शुभम शर्मा, गुड मॉर्निंग. देखिए, समझना, हम पढ़ रहे थे एम हेमल का करेक्टर स्केच. एम हेमल, मैंने आपको बताया था, कल भी समझाया था कि आपकी एक टेक्स्ट बुक में एक लेसन है, लास्ट लेसन. उस लेसन का नाम है लास्ट लेसन. उसका मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एम हेमल. एक अध्यापक है पैसे से, ट्रेडिशनल टीचर है, स्ट्रिक्ट है, फेथफुल है, सिंसियर है. बहुत सारी क्वालिटीज उसमें विद्यमान हैं, जिनमें से हमने कल उसकी तीन ट्रेड्स के बारे में अध्ययन कर लिया था, तीन फीचर्स के बारे में अध्ययन कर लिया था, तीन क्वालिटीज के बारे में अध्ययन कर लिया था. और वो क्वालिटीज जो मैंने आपको लिखा दी है, सबसे पहली बात कि वो सबसे पहली बात है कि वो स्ट्रिक्ट टीचर था, डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट था और डिसिप्लिन था, डेडिकेटेड था. डेडिकेटेड का मतलब समर्पित, जो अपनी सर्विस के प्रति समर्पित था. दूसरा हमने पढ़ लिया था इमोशनल टीचर था, एक भावुक अध्यापक था. और तीसरा हमने पढ़ लिया था रेस्पेक्टेड टीचर, अर्थात हर किसी से उसे बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त था. ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली थी और ये सारी, इन सभी के बारे में मैंने विस्तृत आपको अध्यापन भी करवा दिया था. आज हम चौथी क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट पैट्रियट. ग्रेट पैट्रियट का मतलब होता है महान देशभक्त. अर्थात ऐसी कौन सी बातें थी जिनके द्वारा ये मालूम होता है कि एम हेमल में पैट्रियोटिज्म की भावना थी, अर्थात देशभक्ति की भावना थी. तो मैं आपको समझा देता हूं. जब बर्लिन से आदेश आता है कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो उस समय का देखिए कैसा माहौल था क्लास का. तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था एम हेमल, और उस भाषा को सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर भाषा मानता था, क्योंकि फ्रांस का निवासी था. स्वाभाविक अपने देश की भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देगा. अपनी जो लैंग्वेज वो पढ़ाता था वो फ्रेंच थी,
तो ये भी स्वाभाविक है कि फ्रेंच भाषा से वो सर्वाधिक प्यार करेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि फ्रेंच भाषा को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर भाषा मानता था। और ये बता दूं मैं आपको कि उसने ये भी बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है और सबसे ज्यादा तर्कसंगत भाषा है। ये मानना था किसका? एम हेमल का। जिस दिन फ्रेंच लेसन जो चल रहा था, आखिरी दिन जो था फ्रेंच भाषा के लेसन का, तो उसने, आपको ध्यान होना चाहिए, चौक के टुकड़े के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा था लॉन्ग लाइफ फ्रांस। लॉन्ग लाइफ फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदाबाद रहे। लॉन्ग लाइफ फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद रहे। यानी कि ये जो फ्रेज उसके द्वारा लिखा गया था एम हेमल के द्वारा, ये सबसे बड़ी बात है। ये फ्रेज जो लिखा गया था एम हेमल के द्वारा, ये उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है, पैट्रियोटिज्म को दर्शाता है कि देशभक्ति उसमें कितनी भरी हुई है। तो लॉन्ग लाइफ फ्रेंच विद ए पीस ऑफ चाक, और इतने मोटे अक्षरों में लिखा उसने जितने मोटे अक्षरों में वह लिख सकता था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। तो एक बार समझा देता हूं मैं, इधर देखिए, सॉरी, ग्रेट पेट्रियट का मतलब होता है महान देशभक्त। पेट्रियट का मतलब देशभक्त होता है। ही लव्ड, लव्ड का मतलब तो आप जानते ही हो, प्यार करता था इस कंट्री, अपने देश को। कंट्री का सिनोनिम नेशन भी होता है। नेशन का मतलब राष्ट्र या देश होता है। यानी कि वह अपने देश को प्यार करता था और उसके देश का नाम था फ्रांस। यानी कि उसके देश का नाम क्या था? फ्रांस था। वह अपने देश से प्रेम किया करता था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज, स्वाभाविक है, फ्रेंच भाषा पढ़ाता था, फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का नागरिक था, तो स्वाभाविक है कि वह अपनी फ्रेंच भाषा को प्रेम किया करता था। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा अपनी जो हिंदी है, तो जैसे भारत के नागरिक हिंदी से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार वो फ्रांस का था, तो फ्रेंच भाषा को सबसे ज्यादा प्रेम किया करता था। ही कंसिडर्ड फ्रेंच, कंसिडर्ड का मतलब मानना होता है, कंसिडर का मतलब मानना होता है, और यहां कंसिडर्ड है इसका मतलब मानता था। He considered French as the most beautiful. Most beautiful language का मतलब होता है सबसे ज्यादा सुंदर भाषा, सबसे ज्यादा सुंदर भाषा। यानी कि वह फ्रेंच भाषा को सबसे ज्यादा सुंदर भाषा मानता था इन द वर्ल्ड, यानी संसार में। संसार में सबसे ज्यादा सुंदर भाषा वह फ्रेंच भाषा को माना करता था। He said it was the clearest and most logical language. यानी कि वह कहता था कि जो फ्रेंच भाषा है, इट, यहां फ्रेंच भाषा के लिए आया है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए आया है, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट, क्लियरेस्ट का मतलब सबसे अधिक स्पष्ट, क्लियरेस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक स्पष्ट, सबसे अधिक स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल का मतलब होता है सर्वाधिक तर्कसंगत। मैं यहां लिख देता हूं सर्वाधिक तर्कसंगत, सर्वाधिक तर्कसंगत। लॉजिकल का मतलब होता है तर्कसंगत। यानी कि वह ये कहता था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच भाषा है, वो सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है और सबसे ज्यादा तर्कसंगत भाषा है। इसके बाद ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन, यानी कि जो अंतिम फ्रेंच भाषा का जो अंतिम अध्याय था, उस दिन ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? लॉन्ग लाइफ फ्रांस। लॉन्ग लाइफ फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे। लॉन्ग लाइफ फ्रांस का मतलब होता है बच्चों फ्रांस जिंदाबाद रहे। यानी कि उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा चौक के टुकड़े के द्वारा जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकता था कि फ्रांस जिंदाबाद रहे, विथ ए पीस ऑफ चाक, अर्थात चौक के टुकड़े के द्वारा लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर लिखा, एज लार्ज, इतने बड़े लिखा, एज ही कूड राइट, जितना वह लिख सकता था।
कहने का मतलब चौक के टुकड़े के द्वारा उसने ब्लैक बोर्ड पर जो फ्रेज लिखा था, वाक्यांश लिखा था, वो फ्रेज था लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद रहे। और इसको इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना वह लिख सकता था। तो यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है, पैट्रियोटिज्म की भावना को दर्शाती है। दिस शोज हिज पैट्रियोटिज्म, शोज का मतलब दर्शाती है, शोज का मतलब दर्शाती है, और पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी कि यह बात कहीं ना कहीं उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। तो ये सबसे बड़ी फीचर, सबसे बड़ी ट्रेट और सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो एम हेमल में विद्यमान थी, जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार जिन बच्चों की अगर कोई समस्या हो यहाँ पर तो कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, तुरंत फटाफट कमेंट करिए। अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिए, और समझ में नहीं आया तो जरा बताइए समझ में नहीं आया या फिर समझ में आ गया। सौरभ प्लीज फॉक्स ऑन स्टडी। अनदर यू विल बी ब्लॉक्ड। भूमिका शर्मा कह रही है नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। उम्मीद यही है सभी को समझ में आ गया होगा। भूमिका शर्मा बहुत अच्छा प्रयास है आपका। रामेश्वर प्रसाद करे नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। रामेश्वर प्रसाद जी बहुत अच्छी बात है। अंकित शर्मा नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अंबिका जोशी नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभिषेक वर्मा नहीं सर जी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। विजय प्रकाश कह रहा है ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। कमल शर्मा नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षर जोशी नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए एक बार। हाँ सर आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया प्रजापत नो सर, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इसका आगे का जो है वो लिखते हैं। इससे पहले एक बार मैं इसे फिर रिवाइज कर देता हूँ, समझ लीजिए। ग्रेट पैट्रियट का मतलब महान देशभक्त होता है, अर्थात एम हेमल कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ एक्टिविटीज़ उसके द्वारा जो की गई थी वो ऐसी है जो हमें उसकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। तो इस प्रकार मैं कहूँगा कि एम हेमल एक ग्रेट पैट्रियट भी था, यानी कि ही लव्ड हिज कंट्री, अपने देश से प्रेम किया करता था, फ्रांस का निवासी था, फ्रांस से प्रेम किया करता था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से प्रेम किया करता था। ही कंसिडर्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अर्थात संसार में फ्रेंच भाषा को सबसे अधिक सुंदर भाषा माना करता था। ही सेड इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। वह यह भी कहता था कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे अधिक स्पष्ट भाषा है और सर्वाधिक तर्कसंगत भाषा है। ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लेसन, और जो फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय चल रहा था उस अंतिम दिन, ही रोट लॉन्ग लिव फ्रांस, तो उसने लिखा फ्रांस जिंदाबाद रहे विथ ए पीस ऑफ चौक, चौक के टुकड़े के द्वारा ऑन द ब्लैक बोर्ड श्यामपट पर लिखा, एज लार्ज एज ए कुड राइट, इतना बड़ा लिखा या इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना वह लिख सकता था। दिस शोज इज पैट्रियोटिज्म, यही बात उसकी कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। सचिन गुजर नो प्रॉब्लम, तनु शर्मा आ गया सर, चलो ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने, आप सभी ने लिख लिया होगा, एक बार कमेंट कीजिए। आगे बढ़ू क्या मैं? स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसका रहा है और वो ये है द लवर ऑफ नेचर, द लवर ऑफ नेचर, द लवर ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति का प्रेमी है, प्रकृति का प्रेमी है एम हेमल। एम हेमल जो है वो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है अध्याय में हमें कि वो प्रकृति से भी प्रेम करता है। आपको मालूम होना चाहिए
कि आपने अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब स्कूल अपना जो विद्यालय है, विद्यालय के जस्ट सामने उसका मकान है, और विद्यालय और उसके मकान के बीच में उसने गार्डन लगा रखा है, और उस गार्डन में सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं उसने, और कुछ लताओं के कुछ लताएं, कुछ बेल के जो पौधे होते हैं वो भी उसने लगा रखे हैं, और एक दो बेल तो ऐसी भी है जो उसके मकान के ऊपर तक, छत तक चली गई है। उनका बहुत अच्छे तरीके से वो देखभाल करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रेमी भी है, यानी कि द लवर ऑफ नेचर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, एम हेमल वाज द लवर ऑफ नेचर। ही हैड ए गार्डन बिफोर हिज हाउस, देयर वर मैनी प्लांट्स इन हिज गार्डन, देयर वर मैनी प्लांट्स इन हिज गार्डन। लिखो एक बार पटापटी से। आवाज जाएगी ना इसे, एक बार लिखो आप। देख लिया होगा आप सभी ने, कमेंट कीजिए एक बार। लिख लिया कृष्णा सैनी, वेरी गुड। देखिए ये भी एक क्वालिटी है कि वो प्रकृति का प्रेमी है, और ये चीज हमें कैसे मालूम पड़ती है कि विद्यालय के सामने उसका मकान है, और मकान और विद्यालय के दोनों के बीच में गार्डन उसने लगा रखा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जिसने गार्डन लगा रखा है और गार्डन के अंदर बहुत सारे फूल वाले पौधे लगा रखे हैं, कई प्रकार की उसने लताएं लगा रखी है, और उनकी अच्छे तरीके से वो देखभाल करता है, उनका पालन पोषण करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें प्रकृति से अटैचमेंट को दर्शाती है। ये लगता है कि एम हेमल का अटैचमेंट नेचर से भी था, प्रकृति से भी था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ही वॉज द लवर ऑफ नेचर, अर्थात वह प्रकृति का प्रेमी था। तो देखिए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, एम हेमल वॉज द लवर ऑफ नेचर, एम हेमल प्रकृति का प्रेमी था। लवर का मतलब प्रेमी, और इसको तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लवर। यस, ही हैड ए गार्डन, गार्डन का मतलब कह सकते हैं बगीचा, उसके पास एक बगीचा भी था। बिफोर हिज हाउस अर्थात उसके मकान के सामने, उसके मकान के सामने उसका एक बगीचा भी था, और देयर वर मैनी प्लांट्स, और उस बगीचे में कई पौधे थे, उस बगीचे में कई पौधे थे। और मैं आपको एक लाइन और लिखा देता हूं, ही लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स वेरी वेल,
वह उन पौधों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया करता था। तो कहने का मतलब, दिस शोज हिज लव फॉर नेचर। यही चीज प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती है। लिखो एक बार, फटाफट लिखिए। लिख लिया क्या? कमेंट से बताइए फटाफट। एक बार फिर देख लीजिए। एम एमल वॉज द लवर ऑफ नेचर, प्रकृति का प्रेमी था। ही हैड ए गार्डन बिफोर हिज हाउस, अब उसके मकान के सामने गार्डन था। देयर वर मैनी प्लांट्स इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में कई पौधे थे। ही लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स वेरी वेल, वह उन पौधों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता था। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। वह अपने पेड़ पौधों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया करता था। दिस शोज हिज लव फॉर नेचर, और यही चीज प्रकृति के लिए उसके प्रेम को दर्शाती है। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने एम हेमल का कैरेक्टर पढ़ा, जिसमें हमने पांच बिंदुओं पर डिस्कस किया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस लेसन का सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो एम हेमल ही है। एम एमएल के बाद नंबर आता है फ्रेज का, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दिस लेसन। इस लेसन के अंदर सबसे ज्यादा जो रोचक कैरेक्टर है वो एम हेमल ही है। तो पूरा लेसन कहीं ना कहीं एम हेमल के इर्द गिर्द घूमता है। उसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एम हेमल है, और एम हेमल के कैरेक्टर के बारे में हमने पांच बिंदु के माध्यम से डिस्कस किया है। मैं आपको बता देता हूं, पांचों बिंदु आपको ढंग से याद रखने हैं। पांचों बिंदुओं की आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखाई है, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। पहला बिंदु अपना था डेडिकेटेड एंड स्ट्रिक्ट टीचर, अर्थात एम हेमल एक डेडिकेटेड टीचर था, एक स्ट्रिक्ट टीचर था। दूसरा बिंदु हमारा ये था, ही वाज एन इमोशनल टीचर, वह एक भावुक अध्यापक था। तीसरा हमारे ये था, ही वाज ए रेस्पेक्टेड टीचर, वह एक सम्मानीय अध्यापक था। और जो चौथा हमने पढ़ा वो ये था कि ही वाज ए ग्रेट पैट्रियट, एक महान देशभक्त था। और वो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो महान देशभक्त था? बिकॉज ही लव्ड हिज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। ही लव्ड हिज नेशन फ्रांस, वह अपने देश से प्रेम करता था, फ्रेंच भाषा से प्रेम करता था। फ्रेंच भाषा को मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बताता है, फ्रेंच भाषा को द क्लियरेस्ट लैंग्वेज बताता है, फ्रेंच भाषा को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताता है पूरे संसार में। और ब्लैक बोर्ड पर, मतलब जिस जब जब वो अंतिम अध्याय चल रहा था फ्रेंच भाषा का, उस दिन ब्लैक बोर्ड पर वह जितने बड़े अक्षरों में लिख सकता था उतने बड़े अक्षरों में उसने लिखा, लॉन्ग लाइव फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद रहे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसकी पैट्रियोटिज्म को दर्शाती है, देशभक्ति को दर्शाती है। और जो लास्ट, सबसे जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा वो ये था, द लवर ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति का प्रेमी है। वो हम इन चीज़ों से कह सकते हैं कि जो एम हेमल था, उसके विद्यालय के जस्ट सामने उसका मकान था, और मकान के जस्ट सामने यानी विद्यालय और मकान दोनों के बीच में उसका एक गार्डन था, और गार्डन में उसने बहुत सारे फूल और फलदार पौधे लगा रखे थे, कुछ लताएं उसने लगा रखी थी। वो उनकी अच्छे तरीके से देखभाल किया करता था, साफ सफाई रखा करता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसकी प्रकृति के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये पूरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, पूरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में एक से लेकर पांच बिंदु तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरा एक बार मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट के द्वारा बताइए फटाफट। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। पूरे क्वेश्चन में जो पांचों बिंदुओं पर हमने चर्चा की है,
उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। नो प्रॉब्लम सर। अक्षत जोशी नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अंबिका जोशी नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सुमन मीना नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। मनीषा शर्मा नो प्रॉब्लम। कमेंट कीजिए किसी को कोई समस्या है क्या। सर समझ आ गया, वेरी गुड। सौरभ शर्मा वेरी गुड। सेकंड वाला प्रिया प्रजापत क्या कहना चाहती है आप, सेकंड ये समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड वाला समझना चाहते हो या इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। प्रिया प्रजापत कमेंट कीजिए एक बार वापस। नथिंग सर, कुछ भी नहीं है सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। कमल शर्मा नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। प्रिया प्रजापत एक बार कमेंट कीजिए आप, आपको क्या समझना है। अंजलि मीना हाँ सर समझ में आ गया। कृष्णा सैनी नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। प्रिया प्रजापत आ गया समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर जी वेरी नाइस वीडियो, वेरी गुड, थैंक यू। तनु शर्मा नो सर, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब हम कल अगले वीडियो में, कल अगली क्लास में हम नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये दोनों किताबों से आपके 10 या 12 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इन 10 12 क्वेश्चन में इतनी ताकत है, आपको बता दूं कि प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आ जाता है, 7 नंबर का आता ही है। और यदि दो क्वेश्चन बाय द वे आ गए तो यानी कि आपको ध्यान रख लेना 14 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे इन 10-12 क्वेश्चन से। तो आप इनको ढंग से लिखिए, ढंग से याद कीजिए, हमारे इस लाइव सेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।